हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर डी बायो हब। इन लास्ट टॉपिक ऑफ 11th स्टैंडर्ड वी हैव डन अबाउट द सेल साइकिल। ठीक है, हम लोगों ने सेल साइकिल के बारे में स्टडी किया कि सेल साइकिल क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रोल करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न जो है हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ए माइटोसिस। ए माइटोसिस जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेल डिवीज़न। ठीक है, एंड इसको डिस्कवर किया था अपना रॉबर्ट रिमैक। ठीक है, कई जगह पे रिमैक है, कई जगह पे रिमार्क भी दे रखा है इसको, इन 1855। सेकंड है अपना माइटोसिस, ठीक है, जिसको हम इक्वेशनल सेल डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ स्टडी बाय, इसको सबसे पहले स्टडी किया था स्ट्रासबर्गर ने, अप्रॉक्सीमेटली ही ऑब्जर्व दिस इन 1870। और ऑब्जर्व किस में किया था इन्होंने, प्लांट सेल में। ठीक है, कि व्हाट टाइप ऑफ डिवीज़न इज़ टेकिंग, मतलब सिंपल इसने ऑब्जर्व किया था कि जो सेल हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, तो इसने ऑब्जर्व किया था। बट इसका जो नेमिंग है, दैट नेम इज़ गिवन बाय फ्लेमिंग। ठीक है, इसको हम लोग वॉल्थर फ्लेमिंग बोलते हैं, डब्ल्यू फ्लेमिंग। ठीक है, ये किया था इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली सेम 1882 में। ये 1870 में ऑब्जर्व हुआ था, नेमिंग और प्रोसेस 1882 में दिया था। द थर्ड डिवीज़न इज मेयोसिस, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, प्रोडक्शनल मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मदर सेल becomes half in daughter cell। ठीक है, यानी कि अगर हम लोगों ने लिया, suppose in the mother cell of a human being 46 chromosome were there, तो उसकी resulting जो daughter cells हैं they have 23 chromosome, मतलब this is half। but in mitosis the number remain the same, both daughter cell have the same number of क्रोमोसोम। ठीक है, तो मियोसिस जो था इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था फार्मर एंड मूरे, फार्मर एंड मूरे इन 1905। ठीक है, ये डिस्कवरी होगी अबाउट द टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न की, किसने किसको कैसे डिस्कवर किया था। ए माइटोसिस सिंपली, ए माइटोसिस, ठीक है, ए माइटोसिस सिंपली कौन सी डिवीज़न बताई थी, जिसको कहा था कि इट इज़ अ इनडायरेक्ट सेल, डायरेक्ट सेल डिवीज़न, जिसमें एक सेल जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है दूसरे सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे कि इन लोअर क्लासेस यू हैव स्टडी अबाउट द सिंपल फीजन, दैट इज़ द बाइनरी फीजन, जिसमें हम लोगों ने क्या स्टडी की है कि एक सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक डाउन करके दो डॉटर न्यूक्लियस के अंदर जो है फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। दैट ऑल वी हैव स्टडी इन लोअर क्लासेस। ठीक है, तो ये सिंपल होता है ए माइटोसिस डिवीज़न, विच इज़ नॉट अ ट्रू डिवीज़न, बिकॉज माइटोसिस में क्या होता है, जो डॉटर सेल होती हैं उनके पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लिक डिवीज़न विल टेक प्लेस, बट इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ माइटोसिस। ठीक है, लेट अस सी द डायग्रामेटिक फेस, डायग्रामेटिक इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। यस, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर जो दिखा रखा है, जूम करती हूँ थोड़ा सा इसको,
क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। यस, ये देखिए सिंगल मदर सेल है, हैविंग इट्स साइटोप्लाज्म, हैविंग इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जब इसके अंदर न्यूक्लियस ने अपनी कॉपिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज हो गया फॉर द डिवीजन, तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है इट स्टार्ट कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन आ रहा है, बिकॉज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट द टू डॉटर सेल हैज़ टू बी डिवाइडेड। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन गो डीपर इन द फॉर्मेशन ऑफ फरो एंड फाइनली द न्यूक्लियस डिवाइडेड एंड देन द टू डॉटर सेल विल बी सेपरेटेड। दिस इज द सिंपल स्टेजेस इन ए माइटोसिस। ठीक है, ये सिंपल स्टेजेस हैं किसके अंदर, हमारे ए माइटोसिस में। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, मदर सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है वेदर इट हैज़ टू डिवाइड और नॉट। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन फॉर्मेशन, न्यूक्लियस जो है वो डिवाइडिंग हो रहा है। थर्ड वन स्टेज में क्या हो रहा है, डॉटर न्यूक्लाई की फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होगी, फरो डीप जा रही है, क्लीवेज बन रही है, इसकी डीप जाएगी ये, एंड इन फोर्थ स्टेज फाइनली डॉटर सेल विल बी सेपरेटेड। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता जा रहा है अपना कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस विल रिजेंबल द डम्बल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे एक डम्बल होता है वैसा स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर हो रहा है। इसके अंदर कोई स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होगी, नो स्पिंडल फॉर्मेशन एंड नो फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोजोम। दिस इज ऑल व्हाट ए माइटोसिस। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द माइटोसिस। थैंक यू।